Good morning friends. Today we are going to study the structure and function of cilia and flagella. Right? Structure of cilia and flagella. Here you can see several finger-like projections. These finger-like projections, although they are small, but they are finger-like in appearance, several throughout the body. These are the cilias. Here you can see a long fiber thread-like structure. This is the flagella. यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, दिस इज यूग्लिना एंड दिस इज द पैरामीशियम. प्रोटिस्ट में हम पढ़ चुके हैं इन दोनों ही ऑर्गेनिज्म के बारे में. ठीक है, सो दिस इज योर पैरामीशियम एंड दिस इज फ्लैजिना, अ सिंगल थ्रेड लाइक और विप लाइक स्ट्रक्चर. दिस इज नोन एज फ्लैजिला एंड सेवरल न्यूमरस स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दीज आर सीलिया. अगर हम सीलिया और फ्लैजिला दोनों का ही देखें कि इनका ओरिजिन कैसे होता है, सपोज दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनी सेल. So these cilia and flagella, these are the small hair-like projections, like hair-like outgrowths. These are nothing, these are the extension of the plasma membrane, right? So these are the extension of the plasma membrane. अगर आप cilia और flagella दोनों का structure देखोगे तो outermost आपको क्या दिखाई देगी? Plasma membrane, right? बस difference क्या है, ये जो small small projections है, these are the cilia and the large extension, this is the flagella. ऑलराइट, सो सीलिया और फ्लैजिला के अंदर बेसिक डिफरेंस यही होता है इनका नंबर में प्लस इनकी थिकनेस में. राइट, और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. स्लाइट इनके मूवमेंट की जो प्रोसेस है, दैट इज ऑल्सो स्लाइट डिफरेंट, अदरवाइज बाकी सब सिमिलर ही है. सो सीलियाज दे आर द स्मॉल स्ट्रक्चर्स, राइट, बहुत छोटे साइज के होते हैं. और इनके मूवमेंट से जब ये सीलियाज बीटिंग करते हैं, राइट, बीटिंग कैसे करते हैं? फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, इस टाइप से इन सीलियाज के अंदर मूवमेंट होता है. तो इस मूवमेंट से, इस बीटिंग से, जिस भी सराउंडिंग फ्लूइड में ये सीलिया प्रेजेंट है या जो सेल प्रेजेंट है, तो या तो उस सराउंडिंग फ्लूइड के अंदर मूवमेंट होगा और या फिर इस पूरी सेल में मूवमेंट होगा. तो इन दोनों ही के मूवमेंट की वजह से उस पर्टिकुलर सेल में या सोल्यूशन में ये मूवमेंट जनरेट करने की कैपेसिटी रखते हैं. ऐसे ही जो फ्लैजिला हैं, ये फ्लैजिला ये कैसे होते हैं? लॉन्ग स्ट्रक्चर्स हैं. ठीक है, थिक होती हैं, लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होती हैं. और जब इनके अंदर मूवमेंट होता है, ये बेसिकली अंडुलेटिंग मूवमेंट करते हैं. अंडुलेटिंग मूवमेंट कौन सा होता है? लाइक ओशन में आपने वेव्स देखी हैं इस टाइप से, ऐसे ये वेव्स में जैसे मूवमेंट होता है, वैसे ही इन फ्लैजिला में भी अंडुलेटिंग मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है. इसको बोलते हैं अंडुलेशंस, राइट. तो फ्लैजिला का जो मूवमेंट है, दैट इज वाया अंडुलेशन मूवमेंट. और सीलिया में कैसे होते हैं? बीटिंग होती है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बीटिंग होती है सीलियाज के अंदर. अगर फ्लैजिला का नंबर एक या एक से ज़्यादा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि सभी फ्लैजिला सेम ही तरीके से मूव करें या वो डिफरेंटली भी मूव कर सकते हैं. ऑलराइट, बट सीलियाज के अंदर मूवमेंट सिंक्रोनस वे में होता है. ठीक है, अगर सारे सीलिया एक साइड में मूव, एक सीलिया अगर लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, तो बाकी सारे सीलिया भी लेफ्ट साइड में ही मूव करेंगे. अगर एक राइट में मूव कर रहा है, तो वो राइट में मूव करेंगे. ठीक है, तो एक सिंक्रोनस वे में इन सीलियाज में बीटिंग होगी, बट फ्लैजिला में अलग अलग भी हो सकता है. राइट, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सीलिया एंड द फ्लैजिला. अब ये सीलिया और फ्लैजिला देखने को कहाँ कहाँ मिलते हैं? सो मोस्टली हमने जितने भी प्रोटिस्ट पढ़े हैं, तो वहां पर जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, वो लोकोमोशन के बेसिस पे था. ठीक है, तो कुछ तो नॉन मूवमेंट होती है, नॉन मोटाइल सेल्स होती हैं. ठीक है, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होता, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट हम यहाँ ओनली फ्लैजिला और सीलिया के बारे में पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे प्रोटिस्ट हैं, प्रोटिस्ट सिंपल सिंपल सिंगल सेलुलर सेल ऑर्गेनिज्म. ठीक है, सो ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर आपको सीलिया भी देखने को मिलते हैं और फ्लैजिला भी देखने को मिलते हैं. ठीक है, सीलिएट्स लाइक पैरामीशियम, तो इनमें आपको सीलिया मिलेगा. ठीक है, प्रोटिस्ट जिनमें फ्लैजिला मिलता है, लाइक यूग्लिना है, ट्रिपैनोसोमा है, तो यहाँ पे आपको सिंगल या इससे एक दो ऐसे ज़्यादा भी आपको फ्लैजिला देखने को मिल सकते हैं. वहीं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी सीलिया और फ्लैजिला देखने को मिलते हैं. इसके अलावा आपने फ्लैजिला का और के कहीं किसी नॉन कॉर्डेट्स में स्टडी किया है? फ्लैजिला और कहाँ देखने को मिलता है? एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एक ग्रुप का, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज द पॉरीफेरेंस. ठीक है, साइकन्स, साइकन्स में हमने देखा था, वहाँ पे जो उनका गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, दैट इज लाइन बाय द फ्लैजिलेटेड सेल्स. राइट, लाइन बाय द फ्लैजिलेटेड सेल. ऑन उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? कॉलर सेल्स. दो सेल्स आर नोन एज कॉलर सेल्स. ठीक है, या फिर हम उन्हें क्या बोलते हैं? क्वानोसाइट्स. तो वहाँ पर भी आपका वो जो चैम्बर है, दैट इज लाइन बाय द सेल्स विच बेयर्स द फ्लैजिला.
तो वहाँ आपका फ्लैजिला प्रेजेंट है। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर छोटे छोटे सीलियास प्रेजेंट होते हैं, फेलोपियन ट्यूब में सीलिया प्रेजेंट होते हैं, उस साइड के फर्दर मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ईयर में प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, फ्लैजिला का, ठीक है। तो वहाँ पर प्रेजेंट होता है फ्लैजिला। यहाँ पे ये आपका फ्लैजिला दिखाया हुआ है, ठीक है। प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, इनके फ्लैजिला में स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो सकता है, उनमें काम आने वाली प्रोटीन में डिफरेंस हो सकता है, बट मोर और लेस फंक्शन सेम ही होता है, जो कि मूवमेंट में आपका हेल्प करता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको फ्लैजिला दिखाया हुआ है, इसका एक्सटर्नल इस तरह से आपको दिखाई देगा, और इंटरनली अगर हम देखें सो जो फ्लैजिला है इसका कोर इज मेड अप ऑफ द एक्सोनीम। फ्लैजिला का कोर जो सेंट्रल पोर्शन है दैट इज नोन एज एक्सोनीम, राइट। अब ये एक्सोनीम क्या है, दिस एक्सोनीम इज मेड अप ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स, राइट। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, कहीं हमने इनका नाम पढ़ा है माइक्रोट्यूब्यूल्स, सो दीज आर वॉट, दीज आर दी साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स। माइक्रोट्यूबिल क्या होती है, साइटोस्केलेटन फॉर्म करती हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर एक स्केलेटन है, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ द बोन, वैसे ही सेल का भी अपना स्केलेटन होता है, जिसे हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन, विच इज मेड अप ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स या फिर माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है। तो ऐसे ही सीलिया और फ्लैजिला का अगर हम कोर देखें, सेंट्रल पोर्शन देखें, सो दिस सेंट्रल पोर्शन इज मेड अप ऑफ द सेवरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, राइट। सेवरल माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर इसका सेंट्रल पोर्शन या फिर एक्सोनीम पोर्शन बना हुआ हो, और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये इसके लॉन्ग एक्सिस के बिल्कुल पैरेलली, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स लाइक दैट, ऐसे ही ये माइक्रोट्यूब्यूल्स इस फ्लैजिला या सीलिया के अंदर अरेंज होती हैं, ठीक है। अगर मैं आपको माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर बताऊं, सो दिस इज लाइक, दीज आर दी माइक्रोट्यूब्यूल्स, राइट। ये बनती कैसे हैं, इनका कॉम्पोजिशन क्या है, सो दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स आर फाउंड बाय द ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ठीक है। कौन सा प्रोटीन है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ द ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। यहाँ पर आपके दो टाइप के ट्यूबुलिन सबयूनिट्स होते हैं, वन अल्फा सबयूनिट एंड वन इज द बीटा सबयूनिट। सो माइक्रोट्यूबुल इज नथिंग, दिस इज द पॉलीमर ऑफ द हेटरोडाइमर ऑफ द अल्फा ट्यूबुलिन एंड द बीटा ट्यूबुलिन। इन दोनों से मिलकर ये माइक्रोट्यूबुल बनी हुई होती है। तो अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा अल्फा, बीटा अल्फा, बीटा, ऐसे ये पैरेलली अरेंज होती जाती हैं और एक प्रोटोफिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये एक प्रोटोफिलामेंट, ये सेकेंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, तो ऐसे टोटल 13 प्रोटोफिलामेंट्स पैरेलली अरेंज होते हैं और आपके माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये इसका क्रॉस सेक्शन व्यू अगर आप काउंट करोगे तो आपको ये 13 माइक्रोट्यूबुल्स यहाँ पे दिखाई देंगे। ऐसे ये लंबाई में पूरे प्रोटोफिलामेंट यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं और ये आपके माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, क्लियर। सो अब हम देखते हैं कि जो सीलिया और फ्लैजिला के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट है वो किस टाइप का है। सो यहाँ पर जो अरेंजमेंट होता है हम इसे बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट, राइट। दिस इज द 9+2 अरेंजमेंट, मीन्स 9 तो आपके पेरिफ्रल ये डबलेट्स होते हैं, ठीक है, 9 पेरिफ्रल डबलेट्स एंड द 2 सेंट्रल सिंगलेट्स। जो पेरिफ्री पे माइक्रोट्यूबुल्स प्रेजेंट है वो डबलेट की फॉर्म में प्रेजेंट है, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल एंड दिस इज द सेकेंड माइक्रोट्यूब्यूल, राइट। और ऐसे ही अगर सेंटर में देखें तो दो अलग अलग सिंगलेट प्रेजेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स की। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द 9+2 अरेंजमेंट विच इज फाउंड इन द सीलिया और इन द फ्लैजिला। सो नाउ दीज टू आउटर डबलेट्स, इसमें हम जो सबनेट्स होते हैं उनको बोलते हैं ए एंड द बी ट्यूब्यूल, ठीक है। एक आपकी ए ट्यूब्यूल हो गई और एक आपकी बी ट्यूब्यूल हो गई, ठीक है, ये वाली ए ट्यूब्यूल एंड दिस इज योर बी ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे दो ट्यूब्यूल्स हैं। अब जो ए और बी ट्यूब्यूल्स हैं ये एक दूसरे के साथ भी लिंक्ड होती हैं, प्लस पेरिफ्रल और जो बाकी डबलेट्स हैं उनके साथ भी ये अटैच रहती हैं। जब हम देखें दीज पेरिफ्रल डबलेट्स, दीज आर अटैच टुगेदर विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन एंड दैट प्रोटीन इज द नेक्सिन प्रोटीन, ठीक है। सो नेक्सिन प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है, ज्वाइनिंग ऑफ द डबलेट्स, पेरिफ्रल डबलेट्स को ये ज्वाइन करने का काम करती है, दिस इज द नेक्सिन प्रोटीन। ऐसे ही सेंटर में भी जो सिंगलेट्स प्रेजेंट हैं दीज आर ऑल्सो ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ ब्रिज, ठीक है, लिंकर्स, एंड दीज सिंगलेट्स आर एनक्लोज इन अ शीद एंड दैट शीद इज नोन एज सेंट्रल शीद और द इनर शीद,
ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल शीथ और द इनर शीथ. दिस शीथ एनक्लोज द सेंट्रल सिंगलेट. ठीक है, आपस में ही डबलेट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, सेंट्रल शीथ एक सेंट्रल सिंगलेट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, प्लस दी सेंट्रल सिंगलेट्स आर ऑल्सो कनेक्टेड विद द पेरिफेरल डबलेट. हाउ? विद द हेल्प ऑफ दीज रेडियल स्पोक्स. राइट, ये जो रेडियल स्पोक्स हैं, दीज आर इमर्जेस फ्रॉम द ए ट्यूब्यूल. राइट, फ्रॉम द ए ट्यूब्यूल, ये ए ट्यूब्यूल है, इस ए ट्यूब्यूल से एक रेडियल स्पोक्स जनरेट होंगे एंड दिस कनेक्ट्स द सेंट्रल सिग्नेट टुगेदर. क्लियर? तो सेंट्रल सिग्नेट पेरिफेरल डबलेट से भी कनेक्टेड है और पेरिफेरल डबलेट एक दूसरे से भी कनेक्टेड है. पेरिफेरल डबलेट्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ नेक्सिन प्रोटीन एंड सेंट्रल सिग्नेट कनेक्ट सेंट्रल सिंगलेट्स कनेक्टेड विद द पेरिफेरल डबलेट वाया रेडियल स्पोक्स टू द ए ट्यूब्यूल. अब आपको ये ब्लू कलर की कुछ स्ट्रक्चर्स विजिबल है, इन्हें हम बोलते हैं डायनिन आर्म्स. यहाँ पर ए ट्यूब्यूल से कुछ आर्म्स निकली हुई होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, डायनिन आर्म. वन इज द इनर आर्म एंड वन इज द आउटर आर्म. इन डायनिन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. कहाँ पर? मूवमेंट में. सीलिया और फ्लैजिला का मोशन कैसे होता है, उनमें मूवमेंट कैसे होता है, सो उसके लिए आपका ये डायनिन प्रोटीन ही हेल्प करता है. कैसे हेल्प करता है? ये जो डायनिन प्रोटीन है, इसके पास एक एंजाइम होता है एंड दैट एंजाइम इज नोन एज एटीपेज. सो एटीपेज का फंक्शन हम मसल फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं. क्या फंक्शन होता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ द एटीपी. तो इसका काम क्या होता है? एटीपी हाइड्रोलिसिस. तो जैसे ही एटीपी हाइड्रोलिसिस होता है तो उससे क्या होता है, एनर्जी जनरेट होती है एंड दिस एनर्जी इज यूज बाय द सीलिया फ्लैजिला फॉर द बीटिंग और फॉर द मूवमेंट. सो डायनिन प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन इन द मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड द फ्लैजिला बिकॉज दिस डायनिन कैरीज द एटीपेज एंजाइम. क्लियर? सो अब जो मैंने आपको ये जो पेरिफेरल डबलेट्स बताए हैं, इन पेरिफेरल डबलेट्स के अंदर, ए ट्यूब्यूल के अंदर तो आपका पूरे 13 प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट होंगे, राइट? बट जो बी ट्यूब्यूल होता है, इसमें 13 प्रोटोफिलामेंट ना प्रेजेंट होके इसमें 10 ही प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं. कुछ पार्ट इनका ओवरलैप करता है तो यहाँ पे ओनली 10 ही प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं. ठीक है, ए ट्यूब्यूल में 13 प्रोटोफिलामेंट्स होंगे जबकि बी ट्यूब्यूल के अंदर आपके ओनली 10 प्रोटोफिलामेंट्स होंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सीलिया एंड द फ्लैजिला. कोर इज मेड अप ऑफ द एक्सोनेम एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स आर अरेंज इन द 9+2 पैटर्न, 9 पेरिफेरल डबलेट्स, 2 सेंट्रल सिंगलेट्स. राइट, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो सीलिया हो या फ्लैजिला हो, इनका ओरिजिन एक बेसल बॉडी से होता है. ठीक है, एक सेंट्रियल लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं बेसल बॉडी. तो कोई भी सीलिया या फ्लैजिला हो, दे इमर्ज फ्रॉम दिस बेसल बॉडी. अब यहाँ पे स्लाइट डिफरेंस होता है इनके स्ट्रक्चर के अंदर. यहाँ पर भी माइक्रोट्यूबुल्स होती हैं बट इनका अरेंजमेंट जो है वो 9+2 ना होकर यहाँ पर 9+0 अरेंजमेंट होता है. जीरो मीन्स देर इज नो सेंट्रल सिंगलेट, ओनली पेरिफेरल. यहाँ पर डबलेट ना होके यहाँ पे क्या होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं. ठीक है, जो हमने सीलिया और फ्लैजिला की एक्सोनिमी पढ़ा था वहाँ ए सब यूनिट है, बी ट्यूब्यूल है और सी ट्यूब्यूल है, सॉरी बी ट्यूब्यूल है. ठीक है, बट बेसल बॉडी के अंदर आपका एक एक्स्ट्रा सी ट्यूब्यूल भी आ जाती है. तो अब यहाँ पे पेरिफेरल डबलेट्स ना फॉर्म होकर यहाँ पे क्या बनते हैं, पेरिफेरल ट्रिपलेट्स. ये ट्रिपलेट्स यहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है, ए बी एंड सी. ए के अंदर आपके 13 प्रोटोफिलामेंट्स होंगे, राइट, बी के अंदर आपके वही 10 प्रोटोफिलामेंट्स एंड सी के अंदर भी 10 प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं. इज इट क्लियर? सो तीनों के अंदर आपके जो प्रोटोफिलामेंट्स का नंबर है वो वेरी करेगा, केवल एक ए ट्यूब्यूल होगा उसी में आपका 10 होगा, बाकी बी और सी के अंदर आपके 13 ए के अंदर आपका 13 प्रोटोफिलामेंट होगा और बी और सी के अंदर आपके 10 प्रोटोफिलामेंट्स होंगे. इज इट क्लियर? हाँ, अब बात करते हैं हम कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं. वैसे वो आपका माइक्रोट्यूब्यूल का पार्ट है बट उसी के बेसिस पे आपके सीलियाज में भी स्लाइट स्लाइट डिफरेंस आ जाता है. ठीक है, मोस्टली जो सीलियाज होते हैं वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, मोटाइल सीलिया होते हैं, लेकिन कुछ एक सीलिया ऐसे भी होते हैं जो नॉन मोटाइल भी होते हैं. ठीक है, सो सीलिया हो या फ्लैजिला हो, उनका जो बेसिक इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो हेल्प करते हैं आपको लोकोमोशन में. क्लियर, अभी मैंने आपको बताया कि कुछ सीलिया होते हैं वो तो कि मोटाइल होते हैं, ठीक है, वो आपके लोकोमोशन में हेल्प कर देंगे, लेकिन कुछ सीलिया ऐसे भी होते हैं जो कि नॉन मोटाइल हैं. नॉन मोटाइल हैं मतलब जो जिनका काम मूवमेंट के लिए नहीं है, मतलब वो क्या करते हैं, वो सेंसेशन में हेल्प करते हैं, वो सेंसेशन में हेल्प करेंगे. लाइक
वो आपकी किडनी में प्रेजेंट है, वो यूरिन फ्लो को सेंस करने में हेल्प करते हैं, या अदर बॉडी पार्ट्स में भी वो प्रेजेंट होते हैं जो बेसिकली आपके सेंसेशन में हेल्प करेंगे, आइज में प्रेजेंट है। क्लियर? सो दो टाइप के हैं, उनको हम प्राइमरी सीलिया बोलते हैं। दीज आर दी प्राइमरी, नॉन मोटाइल सीलियाज आर नोन एज प्राइमरी सीलिया। क्लियर? और मोटाइल सीलिया विच हेल्प्स इन दी लोकोमोशन, फ्लैजिला ऑल्सो हेल्प्स इन दी लोकोमोशन। जितने भी लोअर कॉर्डेट्स हैं, लोअर सॉरी नॉन कॉर्डेट्स हैं, वहाँ पर सीलिया और फ्लैजिला मिल रहे हैं आपके, जैसे पैरामीशियम, युग्लिना, ठीक है। तो वहाँ पर बेसिक मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है उनका लोकोमोशन। क्लियर? नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है फूड कैप्चरिंग के अंदर। जैसे आपने पढ़ा है सीलियरी फीडर होते हैं, ठीक है, उनके बकल कैविटी के अंदर सीलिया सीलियरी बैंड्स प्रेजेंट होते हैं विच हेल्प्स इन दी फीडिंग प्रोसेस, ठीक है। वो सेलेक्टिव फीडिंग करते हैं, उन्हीं पार्टिकल्स को अंदर आने देते हैं जो उनके लिए हेल्पफुल हैं, बाकी को वो डिस्कार्ड करते हैं। सेलेक्टिवली ये वर्क करते हैं और फूड कैप्चरिंग में ये आपके सीलिया हेल्प करते हैं, ठीक है। और वाटर करंट जनरेट करते हैं, सीलियाज में जब बीटिंग होती है तो उससे वाटर करंट जनरेट होती है, और उस वाटर करंट से वो उनको ऑक्सीजन रिसीविंग में तो हेल्प करते ही करते हैं, साथ में उनके सर्कुलेशन में भी हेल्प करते हैं। जैसे स्पॉन्जेस में हमने अभी पढ़ा था, स्पॉन्जेस में क्या होते हैं, कॉलर सेल्स प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पर फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, तो उन फ्लैजिला में जब बीटिंग होती है तो उस बीटिंग से एक वाटर करंट जनरेट होती है, ठीक है। उससे ऑक्सीजन भी बॉडी के अंदर आती है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के अंदर, प्लस आपका फूड मटेरियल भी आते हैं और उनको सर्कुलेट करने में भी वो हेल्प करते हैं। ऐसे ही सिलेंट्रेट्स के अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट, जैसे स्पर्म में हमने पढ़ा है, स्पर्म का क्या, स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, ये फ्लैजिल, ठीक है। एक लॉन्ग टेल होती है उसके अंदर, ठीक है, उसमें उसका अगर आप कोर देखें तो वहाँ पर भी माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है जो उस स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करती हैं। बस इनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। फ्लैजिला है, ये आपका हेल्प करता है किसके अंदर, यहाँ पे जो इसके अंदर जो मोशन होता है, जो मूवमेंट होता है, वो किस टाइप का मूवमेंट होगा, वो अंडुलेटिंग मूवमेंट होता है, ठीक है। अंडुलेशन मतलब इस टाइप से, जैसे वेव्स की फॉर्म में इस फ्लैजिला के अंदर मूवमेंट होगा, ठीक है। ये कोई सेल है उसमें फ्लैजिला, तो ऐसे वेवी फॉर्म में उस फ्लैजिला में मूवमेंट है। बट सीलियास के अंदर स्ट्रोक्स जनरेट होते हैं, कैसे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्ट्रोक्स, ठीक है। जो ये फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में एक साथ बॉडी के सारे सीलिया का मूवमेंट होता है, ठीक है। अगर हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के फ्लैजिला और सीलिया में देखें तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था कि दिस इज मेड अप ऑफ द ट्यूबुलिन प्रोटीन, जबकि वहाँ पर आपका जो प्रोटीन होता है प्रोकैरियोट के अंदर, बैक्टीरियाज के अंदर, तो वहाँ पे होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन, ठीक है। फ्लैजिल, ये माइक्रोट्यूबल्स वगैरह तो वहाँ प्रेजेंट होती नहीं है सॉरी, तो वहाँ पे आपका कौन सा प्रोटीन है, फ्लैजिलिन प्रोटीन। तो स्लाइट डिफरेंस है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर, वहाँ पे एक बेस में एक मोटर मिलेगी जिससे एक रोटेटरी एक्शन जनरेट होता है, तब वो फ्लैजिल आपका मूव करता है। क्लियर? सो इट हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चरिंग फूड, जनरेट वाटर करंट्स, राइट। सो आपका रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन में हेल्प करता है। थैंक यू सो मच।